बीएन मंडल स्टेडियम परिसर है। तस्वीर थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइए किस तरीके से बीएन मंडल स्टेडियम परिसर में हजारों के संख्या में जो सफल अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हैं नियुक्ति पत्र ले रहे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अपर्णा सिंह हुआ। कहाँ से आई हैं? पटना से आई हूँ। पटना से आपके हाथ में नियुक्ति पत्र मिलता है, पापा जी को देती हैं, पापा जी पहले पढ़ लेते हैं फिर आपके हाथ में दे देते हैं और आपके चेहरे पे मुस्कान है। कितना संघर्ष लगा इस नियुक्ति पत्र को लेने? सबसे पहले तो हम अपने मम्मी पापा को सबसे पहले बोलेंगे कि सबसे बड़ा वही उनका ही हाथ है यहाँ तक मेरा पहुँचने के लिए, और हर एक स्टेप जैसे जैसे मेरे पापा ने बताया और मैं उसको फॉलो करते गई हूँ, उसी वजह से मैं आज यहाँ इस मुकाम पे हूँ। तो इसलिए नियुक्ति पत्र मिला पहले पापा को दिए? यस, क्योंकि हर एक चीज, हर एक रिजल्ट मैं सबसे पहले पापा को बताई, पापा मेरा ये रिजल्ट है, मेरा ये सब कुछ है। हाँ। तो इसलिए आज मेरा जब आया रिजल्ट, ये जब मेरा काउंसलिंग लेटर भी आया तो सबसे पहले मैं पापा को दी हूँ, और जैसे जैसे मैं स्टेप पड़ी सबसे पहले पापा को ही सबसे पहले मिलती। पापा खुश है? बेटी कितना खुश है? बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ। ये बता नहीं सकती दिल से, मतलब इतनी खुशी आज हुई है कि बता नहीं सकते, बहुत ज्यादा खुश, पूरा खुशी है। एक बात बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है और राजधानी पटना से आप आती हैं। Yes. क्या कहेंगे आज के दिन? यही कहूंगी कि लड़कियों के लिए बहुत ही कुछ किया है। Yes. कौन किए हैं? नीतीश कुमार। हाँ। बहुत कुछ किए हैं। Yes. बता दीजिए एक दो काम, जरा गिना दीजिए। क्योंकि लड़कियां पहले बहुत ज्यादा, मतलब बहुत प्रॉब्लम, मतलब उतना लड़कियों को वैल्यू नहीं रहता, लेकिन आज के टाइम में जब लड़कियों के हाथ में जॉब हुआ, सब कुछ हुआ, तो बहुत आगे लड़कियां निकल चुकी है। तो यही सब खुश है पूरा, बहुत। क्या बोलेंगे बहन, क्या बोलेंगे? आपके भी हाथ में नियुक्ति पत्र, आप लोग फोटो खिंचा रही हैं, क्या कहेंगे? बोलेंगे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मम्मी पापा आज देख के बहुत ज़्यादा, मेरे पापा हैं, मेरे भैया हैं, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, माँ भी बहुत खुश होगी। भैया बधाई दे रहे हैं कि पापा बधाई दे रहे हैं? पापा, भैया, सब पूरी फैमिली मेरे साथ है। मम्मी ना दे रही है? मम्मी भी दे रही, पूरी फैमिली साथ है। कहाँ से हैं? मैं मुजफ्फरपुर से आई हूँ। मुजफ्फरपुर से आई हैं। क्या बोलेंगे? आपके भी हाथ में नियुक्ति पत्र है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा, क्या कहेंगे? आज बहुत खुशी का दिन है, हम लोग मेहनत किए, हम लोग की रिजल्ट आई, सरकार हम लोग के आगे बढ़ने की मौका दिए। कहाँ से आई? वैशाली जिला से आई हूँ। वैशाली से। क्या बोलेंगे बहन, आप क्या बोलेंगे? आपके भी हाथ में नियुक्ति पत्र है, क्या कहेंगे? मैं गया से आई हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, धन्यवाद बहुत ज़्यादा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे राशि देकर हमें इस मुकाम तक, मतलब पढ़ने के लिए हमें बहुत सहयोग किया है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री, बिहार लोकसभा आयोग को, सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने पारदर्शिता के साथ हमारा एग्जाम कंडक्ट कराया और हमें यहाँ तक लाने में उनकी अहम भूमिका रही है। अच्छा, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव हैं और इसी जिले से आते हैं, यहाँ के विधायक भी हैं सदर, और आप उसी जिले में हैं, उनसे क्या कहना चाहती हैं? मैं शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहूँगी कि उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस जगह पे, यहाँ पे मतलब कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और मैं पूरी ईमानदारी से अपने कार्य को करूँगी। चलिए, अपने कार्य को ईमानदारी से करेंगे। और ये बीएन मंडल स्टेडियम परिसर है, और बीएन मंडल स्टेडियम परिसर में दिन का 12 बज रहा है, सभी के चेहरे पे मुस्कान है, कोई भैया के साथ आए हैं, कोई बहन के साथ आई हैं, कोई मम्मी के साथ आई हैं, कोई फुआ के साथ आई हैं, छोट छोट बच्चा को उनका परिवार का जो लोग है ना, वो खिला रहा है, मोबाइल दिखा रहा है, क्योंकि उनकी मम्मी वहाँ पे नियुक्ति पत्र ले रही है, उनके पापा कुछ काम कर रहे हैं, तो छोटा छोटा बच्चा भी जो है आज चेहरे पे मुस्कान है। एक बात और बताइए, जो हमारी बहन तैयारी कर रही है, एक आध दो अंक से पीछे रह गई, उनका सिलेक्शन नहीं हो सका, उनसे क्या कहना चाहती हैं? मैं यही उनके लिए कहूँगी कि आगे संघर्ष करें, पढ़ाई करें, हो जाएगा, ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो जरूर होगा, उनका मेहनत लगन से करेंगे तो बस जरूर होगा, सबका होगा, सबका लेट सेट, सबका लेट से होगा बट जरूर होगा। हम लोग को भी फर्स्ट लिस्ट में नहीं निकला था, सप्लीमेंट्री में हुआ था, बट डेट ऑफ बर्थ की वजह से हम लोग भी छठे हुए थे, तो डेट ऑफ बर्थ जब वो निकाले तो हम लोग का भी हो गया। तो फर्स्ट बार में नहीं हुआ तो थोड़ा सा तो अजीब सा लग रहा हो। बहुत ज़्यादा रोए थे, पापा मम्मी ने हम लोग को हिम्मत दिया कि कोई बात नहीं, इससे अच्छा जॉब, इससे बेटर जॉब मिलेगा। तो फिर उसके बाद जब आया रिजल्ट तो सबसे पहले सब लोग को बहुत ज़्यादा खुश हुए। पहली बार नहीं हुआ तो आप खूब रोए? बहुत ज़्यादा रोए। तो मम्मी गले लगा के सच में बहुत समझाई, बहुत प्यार लाड सब की कि नहीं हो जाएगा तुम्हारा जॉब, और पापा को तो फुल विश्वास था कि हाँ हो ही जाएगा तुम्हारा। बेटी को कितना विश्वास था? मेरे को भी लग रहा था कि होना चाहिए, जब हम मेहनत किए हैं तो मेरा होना चाहिए। कहाँ हुआ है आपका, कहाँ ड्यूटी, कहाँ लगी? अभी तो मेरा ये रेहटा में लगा है।
है, ट्रेनिंग चल रहा है हम लोग का। हाँ तो देखिए, ये सभी के चेहरे पे मुस्कान है। आज इनके लिए बड़ा दिन है, खास दिन है, नियुक्ति पत्र मिला है, अब ये टीचर बन गई है, अब इनके नाम में मास्टर साहब लग गया है, स्कूल जाएंगी, बच्चों को पढ़ाएंगी, अब पूरा खुश है, पूरा गदगद है, हर तरफ से जो बधाई मिल रही है, परिवार के लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, और गाँव कस्बे के लोग भी कहीं पीछे नहीं है, वो भी इस बेटी की तारीफ कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।